डभुई पुलिस द्वारा 5 साल पहले यूपी के गोरखपुर से लापता बने वैसे युवान का अपने परिवार के साथ मिलन करवाया गया। मिली जानकारी के आधार पर 5 साल पहले यूपी गोरखपुर से लापता बने वैसे युवान का परिवार के साथ डभुई पुलिस द्वारा मिलन करवाया गया। कहा जाता है कि पुलिस प्रजा का मित्र है, यही उक्ति को सार्थक करते हुए डभुई पुलिस द्वारा एक उम्दा कार्य किया गया। संदिग्ध अवस्था में पाए गए वैसे युवान को डभुई पुलिस ने नगर के स्थानिक शख्स द्वारा जानकारी देते हुए ये युवान असंतुलित दिमागी हालत का होने की जानकारी प्राप्त हुई गई थी, जहां उत्तर प्रदेश के गोरखपुर यूपी का ये युवान होने की जानकारी प्राप्त होते हुए बाद परिवार का संपर्क किया गया, जहां यूपी गोरखपुर से उनका छोटा भाई डभुई नगर में आगमन करते हुए 5 साल के बाद डभुई पुलिस द्वारा परिवार के साथ मिलन करवाते हुए परिवार में भी खुशहाली छाई थी, जहाँ अपने बड़े भाई को वापस लाने के साथ परिवार में खुशहाली और एक रुदनपूर्ण माहौल देखने को मिला था। लंबे वक्त से नजर नहीं आने के बीच डभुई के सत्यम पार्क विस्तार में कुछ शख्स लंबे वक्त से नजर आ रहा है। हिंदी और अंग्रेजी भाषा का उपयोग करते हुए स्थानिक अनिल शर्मा द्वारा डभुई पुलिस को इसकी जानकारी दी गई थी, जहां ये शख्स की पूछताछ जारी करते हुए वो यूपी का होने की जानकारी प्राप्त हुई थी और 5 साल पहले घर से कुछ कहे बिना ही लापता बना था, जिसके बाद पुलिस द्वारा परिवार के साथ संपर्क करवाते हुए जानकारी प्राप्त होने के बीच परिवार से छोटे भाई अरविंद अग्रवाल को जानकारी देते हुए वे फ्लाइट के जरिए वडोदरा और बाद डभोई आ पहुंचे थे और 5 साल के बाद अपने बड़े भाई के साथ मिलन करवाते हुए उन्हें वापस ले जाया गया था। मेरा नाम अरविंद अग्रवाल है, मैं गोरखपुर जिले यूपी से आया हूं। मेरे बड़े भाई आनंद अग्रवाल पिछले 5 साल 7 महीने 29 जनवरी 2017 से घर से बिना बताए निकल गए थे। हम लोगों ने इनको खोजने का पूरा प्रयास किया, पिछले 6 वर्षों से इनको खोज रहे हैं। खोजने के लिए हम लोग कुशीनगर गए, हिमाचल में धर्मशाला स्थित जगह पे गए और कई आश्रम में भी गए। हम लोग दिल्ली गए, लखनऊ गए, तमाम प्रयासों के बाद हम लोग एकदम उम्मीद छोड़ दिए थे कि अब पता नहीं कहाँ मिलेंगे, या भगवान भरोसे हम लोग बैठे हुए थे। इसी बीच कल सुबह ये थाना डभोई से फोन आया कि आपके भाई जो अपना नाम विवेक बता रहे हैं, गोरखपुर के रहने वाले हिंदी भाषी हैं, उनका उन्होंने नंबर दिया और आपका नंबर देके बताया कि हमारे भाई का नंबर इनको कॉल कीजिए। सबसे पहले ये कौन सा पार्क था, सत्यम पार्क निवासी अनिल भाई के वहां गए थे, उनको नंबर दिया, वहां से फोन आया, फिर थाना डभोई को फोन किया गया, यहां से पुलिस आई और अपने साथ इनको लिवा गई। पिछले 2 दिनों से ये पुलिस की अभिरक्षा में बहुत अच्छे से एक मेहमान की तरह यहाँ पे हैं। पुलिस ने बहुत अच्छी तरीके से इनका देखभाल किया, इनको भोजन पानी कपड़ा लत्ता हर चीज मुहैया करवाया। पुलिस की भूमिका से मैं बहुत प्रसन्न हूँ और पुलिस वाकई जो है जो काम करती है जन जन में इसकी तारीफ होनी चाहिए। और आज मैं फ्लाइट से गोरखपुर से आज यहाँ शाम को पहुंचा हूँ और मैं डभोई थाने सीधे आया हूँ। मेरे भाई से मेरी मुलाकात हो गई है, लिखा पढ़ी होने के बाद मेरे भाई मुझे सुपुर्द कर दिए जाएंगे और मैं परसों सुबह फ्लाइट से पुनः वापस गोरखपुर चला जाऊंगा। गुजरात की पुलिस वाकई नंबर एक है, जैसे गुजरात मॉडल पूरे देश में प्रसिद्ध है, वैसे मेरे ख्याल से गुजरात पुलिस ने भी बहुत सराहनीय कार्य किया है और मैं इस गुजरात पुलिस के काम की भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ। गई तारीख 29/8/2022 रोज वडोदरा कंट्रोल रूम में 100 नंबर मार्फते डभोई पुलिस स्टेशन में एक वर्दी आई। वर्दी में जणाव्या मुजब डभोई पुलिस स्टेशन विस्तार की सत्यम पार्क सोसायटी में कोई अस्थिर मगज मणस भीख मागे अने अजोगत वर्तन करे वर्दी थी, एट ए आधार जे ते समय फरज पर हाजर PCR इंचार्ज हेड कॉन्स्टेबल भैलाल भाई तुरंत एमने टीम साथ रवाना करेला। जे मणसनी हकीकत थी ए मणस ने पोलिस स्टेशन सुनबूथी लाई एने चा नास्तो करी जमाड़ी युक्ति प्रयुक्ति वापरी अमें बीजा अधिकारी सुनबूथ की पूछपरछ करता पोते यूपी गोरखपुर विस्तार रहवासी होने घना समय थी घरे थे निकली गया बोलेला एमनी जोड़े हिंदी और इंग्लिश में बातचीत करवा चालू करता पोते थ्रू आउट इंग्लिश बोलता हो इंग्लिश में एमनी साथ बातचीत करी અને એમનો વિશ્વાસ કેળવી એમને જોડેથી માહિતી મેળવેલી કે એમના નાના ભાઈ યુપી ગોરખપુરમાં રહે છે અને એમનો કોન્ટેક્ટ નંબર અમને મળેલો
એટલે એ નંબર ઉપર અમે કોલિંગ કરી એમને સમજ કરતા એમને એવું કીધું કે અમારા મોટા ભાઈ 5.5 વર્ષથી ઘરેથી નીકળી ગયા છે અને ખૂબ શોધખોળ આખા ઇન્ડિયામાં કરી છે પણ મળેલો નથી. એટલે એ આધારે એમની સાથે વિડીયો કોલિંગમાં વાત કરી અને એ માણસ એમને બતાવેલા એટલે એમને ઓળખી કાઢેલા કે આ અમારા મોટા ભાઈ છે. એમના નાના ભાઈ એટલે કે અરવિંદભાઈ પારસનાથ અગ્રવાલ જેઓ યુપીમાં રહેતા હોય પોતે ફ્લાઇટની ટિકિટ કરાવી અને ગઈકાલે રાત્રે એટલે કે 30 તારીખે રાત્રે ડભોઈ પોલીસ સ્ટેશનમાં સીધા આવેલા, આવી એમના ભાઈ સાથે મળી ખૂબ જ લાગણીસભર વાતાવરણ ઊભું થયેલું. ડભોઈ પોલીસની ટીમે બંને ભાઈઓનું એક સુંદર મજાનું મિલન કરાવેલું અને ફરીથી આવું ન બને એ માટે જે વ્યક્તિ અહીંયા મળેલા ભીખ માગતા એમની સાથે બી વાતચીત કરેલી. ડભોઈ પોલીસ, વડોદરા ગ્રામ્ય પોલીસ, PCRની ટીમ, તમામ ડભોઈ પોલીસ દ્વારા એક ઉમદાભર્યું કાર્ય કરવામાં આવ્યું છે અને એના બંને ભાઈઓ ખુશ થઈ અને પોલીસની કામગીરી અને ગુજરાત પોલીસની ટીમને બિરદાવીને અહીંથી ગયેલા છે.